कराची शहर का बड़ा जबरदस्त कॉलेज है, तो यहाँ की लड़कियाँ बताएंगी कि इस कॉलेज की लड़कियाँ कैसी है, शोर मचा के। और सतरंगी आया है आपके कॉलेज में ताकि आप लोगों से मिल सके, आप लोगों के साथ छोटे मोटे गेम्स खेल सके और आप लोगों की हौसला अफजाई और आप हमारी हौसला अफजाई कर सके। कौन कौन देखता है सतरंगी, पहले तो हाथ उठाए। अच्छा ये बताएं कितने लोग खुश हैं अपनी कॉलेज लाइफ से? कॉलेज में ज्यादा मजा आता है या स्कूल में ज्यादा मजा आता था? स्कूल में। अब देखिए मैं आपको बड़े मजे की बात बताती हूँ। जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो हम कहते हैं अल्लाह कब खत्म होगी पढ़ाई, कब खत्म होगी, जल्दी खत्म हो तो फिर हम कॉलेज में जाएं। और जब हम कॉलेज में आते हैं तो हम कहते हैं यार कब खत्म होगी पढ़ाई, जल्दी से खत्म हो ताकि हमारी जान छूटे, हमारी शादियां वादियां हो, हमारे थोड़े से सूट बूट कपड़े शपड़े जेवर शेवर मिले हमें और फिर हम दुल्हन बन के अपने अपने घर जाएं। लेकिन होता यह है कि जब कॉलेज लाइफ स्कूल लाइफ खत्म होती है और हम कॉलेज लाइफ में आते हैं तो हमें स्कूल लाइफ बहुत याद आती है, और जब हम कॉलेज लाइफ से अपनी रियल लाइफ जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम एंट्री देते हैं तो हमारे लिए जाते हैं यहीं पे ब्रेक लगा दे, क्योंकि वहां पे और बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है और फिर हमें याद आता है कि वो सुनहरे दिन जो हमने कॉलेज के ऐसे ही गुजार दिए दुआएं मांगते हुए कि जल्दी जल्दी कॉलेज खत्म हो, वो कितने खूबसूरत और कितने सुनहरे दिन थे। वो तमाम चीजें याद आती हैं, वो सुबह अम्मी का उठाना, वो लंच देना, हमारा नाश्ता ना करना, अम्मी का डांटना, दूध का गिलास पीना, फिर भागना बस पकड़ना या वैन में बैठना भागकर, और उसके बाद कॉलेज आना, फिर टीचर्स बहुत याद आती हैं हमारी, जिनसे हम जिनको जो हमारी आइडियल भी बन जाती हैं और जिनसे हम डरते भी बहुत हैं। कितने लोग टीचर्स से डरते हैं और कितने लोगों की दोस्ती है टीचर्स से? चले एक ही जितने हैं सारे। तो टीचर्स जो है उनके उनके लिए एक दफा बहुत सारी तालियां बजाएं, क्योंकि यही है जो हमें इल्म की दौलत से मालामाल करती हैं और हमें एक ऐसा शहरी बनाती हैं जो कि माशरे में कॉन्फिडेंट होके खड़ा रहे और अपनी जिंदगी में कामयाबियां हासिल करता रहे, आगे बढ़ता रहे। यहाँ से बहुत सारी ऐसी लड़कियां निकलेंगी जो डॉक्टर, इंजीनियर और पता नहीं क्या क्या बनेंगी। हो सकता है कि कोई मेरी जगह भी खड़ी हो उस तरह होस्ट बन के, है जी, है इंशाल्लाह। अल्लाह इसी दुआ के साथ हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं कि जितनी लड़कियां यहाँ पे मौजूद है अल्लाह ताला उनको सबको अपनी अपनी जिंदगी में कामयाब करे, जो उनका एम है, जो भी उनका मकसद है, जो उनकी ख्वाहिशात हैं वो तमाम पूरी हो। और जी अब हम बात करते हैं थोड़ी सी जरा मजे मजे की बातें। मुझे ये बताएं सबसे ज्यादा सजा किसको मिलती है, कौन क्लास से बाहर खड़ा होता है? कौन क्लास से? भाई मैं तो स्कूल में खड़ी होती थी क्लास के बाहर, क्योंकि मैं इतनी बोलती थी सबकी नकलें उतारती थी तो मुझे बाहर ही खड़ा कर दिया जाता था। कितनी लड़कियां खड़ी होती हैं जल्दी सच सच बता दे, वरना मैं टीचर से पूछ लूंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हाथ बढ़ते जा रहे हैं भाई, वाह वाह वाह। तो एक बार खुद अपने लिए तालियां बजाए जो बाहर खड़ी होती है क्लास में। अच्छा ये सजाएं भी बड़ी मजेदार लगती हैं, मजे की लगती है ना, जब टीचर्स डांटती हैं, टीचर्स सजा देती हैं। अच्छा हम यहाँ पर आज एंजॉय करने आए हैं और छोटे मोटे गेम्स खेलेंगे आपके साथ, छोटे मोटे तोहफे तहाइफ देंगे आपको, लेकिन बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ है, छोटे छोटे गेम बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ। अच्छा क्या आप लोगों को पता है कि आज कौन कौन आने वाला है हमारे शो में? पता है तो बस आप लोगों के लिए सरप्राइज है, और ये सरप्राइज हम आपको देंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद, तो हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। प्यारी प्यारी सी लड़कियां मेरे सामने बैठी हुई हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना सबसे पहले जो हमारी एक गेस्ट है वो भी बड़ी प्यारी सी है, उसको बुलाया जाए। और बहुत सारे ड्रामों में आपने उनको देखा है, मॉडलिंग भी करती हैं, होस्ट भी किए हैं बहुत सारे प्रोग्राम्स, फिल्म्स में भी आई हैं, बल्कि चमेली फिल्म में आपने उनको देखा होगा और बड़ा अच्छा उन्होंने रोल किया था। तो आपकी बहुत सारी तालियों में बुला रही हूँ मायरा खान को। बिल्कुल ठीक। और मायरा तुम जाओगी इन लोगों से मिलना चाहोगी जाके सबसे? हाँ लेकिन वो मैंने सुना था कोई गाना लग रहा है मेरे लिए।
माशाल्लाह। अच्छा मेरा कॉलेज लाइफ याद आ रही है इन लोगों को देखकर? हाँ आ रही है यार। हमें लग रहा है हम कॉलेज की बच्चियां ही हैं, छोटी छोटी सी हैं। हमें एडमिशन चाहिए इस कॉलेज में। हमें एडमिशन मिलेगा? टीचर से पूछते हैं। हाँ मिलेगा, वो ओवर एज तो नहीं हो गया? एज तो नहीं ज्यादा हो गई हमारी? टीचर्स कह रही है नहीं नहीं मिलेगा, मिल जाएगा मिल जाएगा। अच्छा मायरा हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर, एक और गेस्ट है उनको भी मैं लाना चाहूंगी। आपने उनको बहुत ज्यादा मॉर्निंग शोज में भी देखा है और फैशन डिजाइनिंग भी करते रहे हैं और अब उनकी फिल्म भी आ रही है बहुत जल्द, तो आपकी बहुत सारी तालियां बुला रही हूँ साइम को। हाँ जी साइम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम अप्पा कॉलेज, क्या हाल है आप लोगों का? कैसे हैं आप लोग? भाई मैं तो इस वक्त थोड़े से नॉस्टैल्जिक हो गया। नॉस्टैल्जिक का मतलब होता है पास में चला गया हूँ, कुछ 3-4 साल पहले जब मैं कॉलेज नहीं नहीं 40 साल पहले। अच्छा 40 साल पहले जब ये मेरी जूनियर थी और मैं इनका सीनियर था, जब मैं कॉलेज में था तो मैं पढ़ाई में तो दिल लगता था थोड़ा बहुत, लेकिन मेरी एक मैथ्स की टीचर थी यार, मैं एक सीक्रेट बता रहा हूँ, कोई आपने किसी को बताना नहीं है ठीक है। उनके ऊपर मुझे ना थोड़ा सा क्रश हो गया, वो तो होता है ना, क्या करें यार। लेकिन वैसे ये मसला यही है, उस दिन मैं आमिर लियाकत साहब का प्रोग्राम देखी थी, उन्होंने भी यही कहा कि जी पहली जो मेरी आइडियल थी या जो वो मेरी टीचर थी, और टीचर्स खाली जो है ना वो एक क्या कहने से ये नमूना ही नहीं होती हमारे लिए, हम उसमें सब कुछ देखते हैं। हम अपनी टीचर में अपनी माँ को भी देखते हैं, अपनी बहन को भी देखते हैं और अपनी बेटी को भी देखते हैं। हाँ सबको हम देखते हैं। अब अच्छा ये बताओ कि ये जो छोटी 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 प्यारी प्यारी बच्चियां तुम्हें नजर आ रही हैं, तुम्हें क्या लगता है आज हमारे साथ गेम्स खेलेंगी? बिल्कुल क्यों नहीं खेलेंगी, इतनी एनर्जी है इन लोगों में, इन्होंने इतना कितनी एक्टिव है। खेलेंगे आप लोग गेम? गेम थोड़े से मुश्किल है। नाश्ता करके आए? पहले बताए नाश्ता करके आए? ये मेरा पैंट जुमला है, मेरी टीम मेरा मजाक उड़ाती है जुमले पे। नाश्ता करके आए? अगर नाश्ता करके आए तो फिर आप गेम नहीं खेल सकते। ये क्या बात? हो सकता है वो खाने का गेम हो, फिर भी खाएंगे भाई, हम लोग बड़ी खाती पीती फैमिलियों में से। अच्छा ये बताए कि आपको इन दोनों में से किसी से कोई सवाल पूछना है किसी को? माइक दे मुझे जरा, मैंने भी जरा बात करनी है थोड़ी सी। माइक दीजिएगा। अच्छा आप सवाल ढूंढने लग गई है ना, सोचने लगी क्या सवाल पूछे क्या सवाल पूछे क्या सवाल पूछे। हाँ जी लाइए, ये दोनों हमारे साथ मौजूद हैं, किसी को कोई सवाल करना है तो मुझे बताइए। बल्कि मैं सोचूं पहले टीचर से थोड़ी सी बात कर लेते हैं ना। हाँ यहाँ से जाओ जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? क्या नाम है आपका? राना फारूकी। बल्कि मुझे पूछना से चाहिए था, कैसी बच्ची आपके कॉलेज की? हाँ कैसी बच्ची है आपके कॉलेज की? बहुत अच्छी, बहुत मैनर्ड और बादब और पढ़ाई में दिलचस्पी रहने वाली और बहुत ऑर्गेनाइज बच्चियां हैं हमारी। ऑर्गेनाइज बच्चियां। अच्छा जी ये वाली टीचर का नाम बताएं क्या है? मिस मैजिक, मैजिक की जैदी। आप बताएं आपको कैसा लग रहा है आज हम शो लेकर आए हैं आपके कॉलेज में? बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए कि बच्चियों के लिए तो बहुत एक्साइटमेंट है, इसलिए कि कभी कभी ऐसा माहौल कभी कभी मैसर आता है। हाँ इसलिए कि एजुकेशन के साथ साथ तालीम के साथ साथ हम निसाबी सरगर्मियाँ जो है बड़ी अहमियत रखती हैं, और इस वक्त बच्चियाँ जो है मेरे ख्याल से बहुत पुरजोश है, इसलिए कि ऐसा कुछ हम जाएंगे कॉलेज में तो ये माहौल हमें मिलेगा, वो तो वही सोच कर आई थी शायद कि क्लासेस हो रही होंगी क्लासेस में होंगे, लेकिन माशाल्लाह से सब जो है बहुत खुश है। वाह भाई, तो एक बार फिर अपनी टीचर्स के लिए जोरदार तालियां। अच्छा जी
ये बताया मुझे कि आप दोनों इस वक्त यहाँ पे बैठे हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे लोगों से कि क्या जिंदगी में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि इनको नहीं छोड़नी कभी, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे दूर रहना है? कौन शुरू कर रहा है? तुम बता दो। अच्छा, ये लेक्चर नहीं है मतलब ऑब्वियसली जवेरिया ने सा कहा इट, मैंने अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस किया है। ऑब्वियसली मैं कॉलेज लाइफ से भी गुजरी हूँ, उसके बाद मैंने करियर स्टार्ट कर लिया था। व्हेन आई वाज इन स्कूल आई स्टार्टेड माय करियर। तो मैं एक चीज़ जो ऑब्वियसली हर एक डेकेड के बाद जमाना बदल जाता है, एंड यू नो यू स्टेप इनटू समथिंग न्यू। आपको भी पता होगा जब पैदा हुए होंगे उस वक्त सेल फोन्स आ गए होंगे, स्मार्टफोन्स आ गए होंगे। सो आई थिंक ऑल यू नीड टू डू इन लाइफ इज वट एवर डे आप उठते हो सुबह सो के, तो हर दिन ये सोचो कि ये जिंदगी का, ये पूरी जिंदगी है एक दिन में, और अगले दिन अगली जिंदगी है, उससे अगले दिन अगली जिंदगी है। पास्ट को भूल जाओ, फ्यूचर को याद रखो, और अपने दिल में दिमाग में बस एक ही चीज रखो कि मुझे कुछ बन के दिखाना है। एंड सीरियसली अगर आप वो ख्वाब लेके रोज चलोगे, तो जिस तरह आप, ये आपका ख्वाब है या आप खड़े हो, आप खुद ही फॉलो करोगे उस पाथ को और जरूर उधर पहुंचोगे। और जिंदगी में नथिंग इज इम्पॉसिबल, यू कैन अचीव एनीथिंग इन द वर्ल्ड यू वांट। वेरी नाइस। मैं तो आप लोगों को अपना एक छोटा सा वाकया शेयर करूंगा। जब मैं कॉलेज में था, स्कूल में था, तो मुझे बहुत ही तजस्सुस था, क्यूरियोसिटी थी कि मैं कब अपनी वर्किंग फील्ड में जाऊंगा, एक्टिंग करूंगा, फैशन में जाऊंगा। और मैं वो जो ये जो खूबसूरत पल था वो मिस कर रहा था। बीइंग अ स्टूडेंट इट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग ऑल टुगेदर। ये जो वक्त है आप लोग प्लीज इसको पकड़ के रखें, इसको इंजॉय करें, क्योंकि जब ये वक्त चला जाएगा, तालिबे इल्म का ये जो दौर होता है ये जब चला जाएगा आप लोगों को, फिर वो बहुत याद आता है ये वेकेशंस, ट्रिप्स, और आप लोग सब लोग अपनी टीचर्स के साथ कैंटीन में खाना, ये छोटी छोटी खुशियां बहुत ही कीमती हैं, यकीन मानिए। इसके बाद सिर्फ सांस और डंडे होगी बस। यस। डरावना ख्वाब, मैथ्स का, साइंस का जो प्रोजेक्ट होता है ना, वो हमारी सांस और डंडों की सूरत में हमारे सामने बात में आता है। अच्छा जी, एक और गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, उनको मैं बुला रही हूँ। स्किन की प्रॉब्लम हो, बालों की प्रॉब्लम हो, कोई भी टोटका हो, कुछ भी चीजें हो, वो आपको बताते हैं। कौन हो सकता है बताइए जी, आपकी बहुत सारी तालियों में डॉक्टर खुर्रम। जाएगी सब इतनी खूबसूरत, गोरी गोरी, प्यारी प्यारी, प्यारी, प्यारी। इसका मतलब खुर्रम की टोटके आज यहाँ नहीं चलेंगे। ये तो बड़ा, इतने इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी बच्चियां, इतनी खूबसूरत लड़कियां हैं, ये कहाँ बुला लिया जवेरिया मुझे? गलत, यहाँ पे इनका कोई काम नहीं है, सब ऑलरेडी बहुत अच्छी है, किसी को बुरा होने का शौक नहीं है। अच्छा, मुझे एक टोटका बता जाएगा कि ये धूप से जब काले हो जाते हैं, वो तो अभी व्हाइटनिंग इंजेक्शन लगाऊंगा आपको। अच्छा खुर्रम, तुम पत्थर के जमाने में जब कॉलेज में पढ़ा करते थे, जी जी, बहुत अरसा गुजर गया उस बात को, उस जमाने में कैसे कॉलेज हुआ करते थे? बस उस जमाने में आपको टीवी पे देखा करता था। मेरी उसमें भी मैं देखता था कि जवेरिया कितनी अच्छी है। पत्थर के जमाने में टीवी होता ही नहीं था। जी नहीं, पाकिस्तान में नया नया आया था, और पहली आप हीरोइन थी। पत्थर के जमाने में पाकिस्तान भी नहीं था। मैं था यानी कि ये 1947 से पहले की बात है। अच्छा भाई, मेरी प्यारी प्यारी बच्चियों, छोटी छोटी बहनों, बेटियों भी कह सकती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी माशाल्लाह अब 9 साल की हो गई है। तो अब इसके बाद जो हम ब्रेक लेने वाले हैं, इसके बाद एक ऐसा हीरो आने वाला है। अभी तो मैंने बताया भी नहीं।
ऐसा हीरो आने वाला है, ऐसा हीरो आने वाला है कि जिसको देखने का ख्वाब हर लड़की देखती है। तो जी उसको हम बुलाएंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, तो हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी। मौजूद हैं और खुर्रम भी मौजूद है, तो खुर्रम है तो उनका क्यों ना कोई फायदा उठाया जाए। तो हम पूछते हैं इनसे कि गोरे होने के लिए कुछ बता दें प्लीज। बिल्कुल जबरदस्ती चीज बना रहे हैं जवेरिया। हाँ। मगर पहले मैं चाह रहा हूँ सब के लोगों के लिए बहुत सारे गिफ्ट है। हाँ। एक्नी के बहुत अच्छा सा हेयर ऑयल है, शैम्पू है, मैं चाह रहा हूँ मेरे साथ चले आप सबको दे चले। बड़ी लंबी कोई बात नहीं, ऑयल भी है, ऑयल भी है, शैम्पू आ जाए, आ जाए मायरा आ जाए। मैं पीछे लड़कियों को दूंगी, मैं तो पीछे म्यूजिक बजा दो, म्यूजिक बजा दो। उनके लिए बड़ा जबरदस्त है, देखिए घर में खुद बना सकती है। क्या किया आपने जी, कीनू के छिलके जो आप रोजाना खाती है, ठीक है, दो से तीन आलू, ठीक है, दो से तीन आपने नींबू लिए। अच्छा ये आप बताए ये क्या है, देखिए मुल्तानी, वाह एक्सीलेंट, तालियां। अच्छा ये क्या है, आखिरी बता दो तो बस उसका, तो उसको ये पूरा, ये देखिए हुस्न यूसुफ पाउडर ठीक है। अच्छा और ये हमारा पेस्ट तैयार है। अच्छा ये किसको चाहिए, खुद पूरे फ्रिज में रखे, पूरा महीना चेहरे पे लगाएं, अम्मी भी लगाएंगी, स्किन बहुत टाइट। सबसे पहले उसने हाथ खड़ा किया। ये आप लेके जाओ उसमें और फ्रिज में रखना इसको, ठीक है। ये देखो पेस्ट इस तरह का बनेगा, कैमरे में दिखा देता, ये देखिए पेस्ट इस तरह बनेगा और ये आप लेके जाए, ठीक है। इनको किस तरह बनाना है पेस्ट ये तो बता दे। पेस्ट किस तरह बनाना है ये तो बता दे। भाई पेस्ट आपने क्या किया, हुस्न यूसुफ पाउडर लिया, ठीक है, ठीक है। ये आपने ली मुल्तानी मिट्टी, सही है, ठीक है। इसके अंदर एलोवेरा का जेल होता है, ठीक है, कीनू के छिलके, आलू, उसके अंदर नींबू, और ये एक कीनू के छिलके, एक से डेढ़ कीनू के छिलके, दो कीनू के छिलके, एक आलू, दो से तीन नींबू, दो से तीन, ठीक है। ये थोड़ा सा मीठा सोडा जो किचन में भी होता है आपके, ठीक है, उसके साथ ऐड किया जी हुस्न यूसुफ पाउडर, मुल्तानी मिट्टी, और इन तमाम चीजों को ऐड किया अरके गुलाब में, ठीक है। बेस बन गया जबरदस्त सा, पूरे महीना चलेगा, पूरे चेहरे पे लगाएं, नकल्स पे लगाएं, ग्राइंड करना है ब्लेंडर में, ब्लेंड कर लें या आप उसको पीस भी सकती है, बहुत अच्छा पेस्ट होगा, नेचुरली आपकी स्किन बड़ी ग्लो कर। जी 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 आलू कच्चा, नहीं कच्चा कच्चा, उसको ब्लेंडर, ब्लेंड का बिल्कुल सही सवाल है, बॉईल करेंगे तो इसके अंदर जो आपकी टैनिंग खत्म करने की ताकत होती है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। चलो जी और कोई सवाल, अच्छा सा और कोई सवाल ही नहीं है, आपके जैसा सफेद रंग कैसे हो सकता है। देखिए ये जवेरिया, जवेरिया खुद इतनी जबरदस्त है। अच्छा कुछ इनको बताएं, ये धूप से जो सनबर्न हो जाता है उसको किस तरह, हाथों पे, पैरों पे, फेस पे, बिल्कुल। अच्छा पहले 10-10 ग्लास पानी कौन पीता है रोजाना, वाओ। अच्छा और दूध कौन पीता है डेली, अच्छा अगर आप रोजाना सात को सोते वक्त एक कप दूध में चुटकी हल्दी डाल लें, आप टैनिंग नहीं होगी, नंबर वन। अच्छा नंबर टू, अगर आप बाहर निकला करें SPF 30, शायद 400 रुपए का होगा SPF 30, वो लगा के 15 मिनट पहले कॉलेज आया करें, उसे आपका स्किन पे एक तो मिट्टी भी नहीं बैठेगी, पोर्स भी नहीं खुलेंगे, रंग अच्छा, बड़ा क्लियर करेगा। आप एहतियातें बता रहे हैं जिनका हो चुका हो चुका है उनके लिए बड़ा सिंपल है। आपने क्या किया जी, घर में आपके विटामिन सी की 60-70 रुपए की बॉटल आती है बड़ी, हर एक ने देखी खट्टी वाली गोलियां, देखी है सबने, छुपके खाते हैं, छुप छुप के सब खाते हैं, ठीक है। आपने क्या किया, 100 गोलियां ली, उसको क्रश किया, क्रश करने के दौरान उसके अंदर डाला 2 चमचे कॉड लिवर ऑयल या मछली का तेल, ठीक है, उसके साथ विटामिन ए, ए फॉर एप्पल, 3 मटर के दाने और अरके गुलाब मिक्स किया और पूरे चेहरे पे 15 मिनट के लिए रोजाना लगाया नहाने से पहले। आप देखिए आपका रंग बिल्कुल गुलाबी, ऐसा ऐसे आ जाए।
बहुत सारी तालियां मुरम के लिए। अच्छा जी, अब जी मैं जिस मेहमान को बुलाऊंगी ब्रेक के बाद, लेकिन ब्रेक के बाद इतनी जल्दी नहीं बुलाऊंगी, आपको बताना है कि वो कौन है। मैं उनके ड्रामों के नाम आपको बता रही हूँ, जिसने सही बताया उसकी मैं तस्वीर खिंचवाऊंगी यहाँ पे उनके साथ, ठीक है। शहरेज़ाद, अब किसके के साथ निकाल के अलावा कितने लोग थे? दयारे दिल, संगत, तुम मेरे क्या हो, कुछ प्यार का पागलपन, मोहब्बत का सितारा, क्या बात है यार। अब एक काम करते हैं, किसी और को ही बुला लेते हैं, चलो। तो बुलाएं क्या? बुलाएं, बुलाएं, छोटी सी ब्रेक के बाद देखते रहिएगा सतरंगी। इंतजार आप लोग कर रहे थे वो वक्त आ चुका है, तो क्या ख्याल है बुला लिया जाए? बस इतनी सी ख्वाहिश। तो जी आपकी बहुत सारी तालियों में बुला रही हूँ हमारे शोबिज के शहजादे को, हम सबकी जान, पाकिस्तान की शान, मिकाल ज़ुल्फ़िकार। ना ए हसीनो तो मैं आ गया, ए बचना मिकाल, कैसा लग रहा है? गुड मॉर्निंग एंड व्हाट अ गुड मॉर्निंग। कॉलेज में आए हैं और हम सब अपना जमाना याद कर रहे थे, जिसमें मायरा भी हैं, साइम भी हैं, और उनका पत्थर का जमाना था। उनका तो पत्थर का जमाना था। कुछ कॉलेज की यादें आई? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कुछ कुछ आई। I actually dropped out of college to become an actor. So, but yeah, बिल्कुल, you know, school days are the best days. याद रखोगे ये दिन, definitely. बिल्कुल, और मैंने यही कहा था कि हमें स्कूल में होते हम कहते हैं हमें कॉलेज में जाना है, जब कॉलेज आते हैं हम कहते हैं कि अब हम कॉलेज कब खत्म होगा, और जब कॉलेज खत्म हो जाता है फिर हमें कॉलेज के दिन याद आ रहे होते हैं कि कितना मजा आता था। रियल लाइफ में आके डेफिनेटली वो दिन जब बड़े कहते हैं कि स्कूल डेज आर द बेस्ट डेज, वो सही कहते हैं। अच्छा, तुम को एजुकेशन में पढ़ते थे? आई वाज इन को एजुकेशन, जी। अच्छा अच्छा, तो कैसा लग रहा है सिर्फ लड़कियों के कॉलेज में आकर? कोई लड़का नजर ही नहीं आ रहा है यहाँ पर हमारे लोगों के अलावा। अच्छा लग रहा है, कोई छुचोरपन नहीं होगा। ये सब लड़कियां इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, सारे स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स यहाँ पर मौजूद हैं, अपवा कॉलेज है हमारा, ये कराची का एक नामी ग्रामी कॉलेज है। क्या कहना चाहते हैं लड़कियों को कि इन्होंने आगे जिंदगी में इनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हो? बस यू नो दीज डेज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये वक्त जो है इंसान जाया भी कर सकता है लेकिन ये बड़ा कीमती वक्त है आपके पास सीखने का, एंड सलाम टू ऑल द टीचर्स आउट देयर एज वेल। और आप लोग का बहुत शुक्रिया कि यू नो वे हेयर और आपने हमें आने दिया। मैसेज के हवाले से क्या कह सकता हूँ, आप लोग पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, एंड यू नो वर्क हार्ड, स्टडी हार्ड, अपने मुल्क के लिए काम करें, एंड बी गुड सिटीजन्स, और बाकी सब के लिए एक अच्छा जो है एग्जाम्पल सेट करें, एंड आई विश यू द बेस्ट। अच्छा भी लड़कियों, किसी के कोई सवालात हैं
कुछ मिकाल से पूछना है, वैसे तो इनको सब कुछ ही पता है, मैंने एक ड्रामे का नाम लिया, उन्होंने सारे ड्रामों पे मिकाल 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 सब पे उन्होंने वही नाम लिया। तो मैं किसी का भी कोई सवाल तो हाथ उठाएंगी तो मैं आपकी तरफ आऊंगी। हाँ जी, क्या पूछना चाहते हैं जी? मिस 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 कह दिया मुझे, मिस कह दिया। हाँ जी, आप इतने सीरियस रोल क्यों करते हैं? ज्यादातर अनफॉर्चुनेटली, लेकिन मैं कॉमेडी भी करता हूँ, अगर आपने इश्तेहार देखे हो तो मैं कॉमेडी भी अच्छी कर लेता हूँ। और आजकल मैं सुपरमैन बना हुआ था, अगर आपने देखा। सीरियस रोल जो है, ज्यादातर ड्रामों में सीरियस रोल होते हैं, और ज्यादातर जो मैं रोल प्ले करता हूँ मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, बड़ा अच्छा लड़का हूँ मैं। और मैं जो है, मतलब बस अनफॉर्चुनेटली ड्रामों में जो है सीरियस रोल्स लिखे जाते हैं, ज्यादातर आदमी को जो है बुरा दिखाया जाता है और आदमी जो है बड़ा जालिम होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं ऐसा हूँ। खैर, आई डोंट नो, मे बी माई वाइफ कुड कॉमेंट ऑन दैट। बस जो लिखे जाते हैं अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर सीरियस ही लिखे जाते हैं, तो दैट्स द रीजन। और किसी का कोई सवाल? ओए होए इतनी पीछे, ओए होए। अच्छा ये थी, चले मैं आती हूँ आपके पास, मैं यहीं खड़ी रहती हूँ मेरा ख्याल है। शुक्र है मिस ने कहा आपने, वरना बहुत सारी लड़कियों के दिल जल जाते हैं। हाँ जी, आप फिल्म कब बनाएंगे? आपके ड्रामे तो मैं बहुत शौक से देखती हूँ, इसके अलावा फिल्म कब बनाएंगे? फिल्म कब आ रही है भाई तुम्हारी? जी इंशाल्लाह, आई एम रियली होपिंग कि इस साल जो है आई गेट टू वर्क ऑन अ फिल्म प्रोजेक्ट। कुछ बातचीत चल रही है फॉर अ कपल ऑफ प्रोजेक्ट्स, एंड आई वुड होप इंशाल्लाह दिस ईयर यू विल सी समथिंग। हाँ जी, और किसने सा, अच्छा उतनी दूर, ओए होए होए होए, आज तो मैं यही इसी तरह बेहोश हो जाऊंगी। साइम तुम क्यों नहीं जाते लड़कियों के पास माइक लेके? और साइम की भी तो फिल्म आ रही है। साइम, तुम्हारी फिल्म का क्या नाम है? ये तो हटा दो, छोड़ दो इसको। ये मेरा सन ब्लॉक था। फिल्म का नाम है तुम ही तो हो, जिसमें सेकंड लीड कर रहा हूं। अच्छा, तुम ही हो? हां, वो मैं ही हूं। और अभी मिकाल बिल्कुल सही कह रहे थे, एक ड्रामा मेरा चल रहा है हीर, जिसमें मैं फजूल में नेगेटिव हो गया हूँ, और औरत जो है वो लड़की जो है वो रोई जा रही है। देखिए, औरत मज़लूम होती है, ये गलत है बिल्कुल। जिस तरह से निकाल, इज अ गुड बॉय, आई एम ऑल्सो अ गुड बॉय, उसमें दिखाया है मैं अपनी बीवी को घर से निकाल देता हूँ, दिस इज सो रॉन्ग। आई मीन पता नहीं क्यों ऐसा लिखते हैं लोग, बट एनी वे यही है सिस्टम आई गेस, क्योंकि फैशन में तो कुछ डिफरेंट था, ड्रामाज आर कंप्लीटली डिफरेंट। आई एम सीइंग यू आफ्टर सो लॉन्ग, आई जस्ट रिकॉग्नाइज यू, साइम, कैसे हो? सो गुड टू सी यू। या चले जी, आप तो घरेलू बातें शुरू हो गई। हां भाई, किसका सवाल था, किसने हाथ उठाया था? मैं जा रही हूं उसके पास। जी बोलिए। ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले ये लीजिए। हां जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपका फेवरेट कलर कौन सा है? आजकल मेरा फेवरेट कलर ब्लू है, और ब्लू के जितने सारे शेड्स हो जाएं वो। हाँ जी, और दूर तो नहीं? हाँ ये भी, चलो करीब आ गए। आप इतने हैंडसम क्यों हैं? फिर से बोलना। आप इतने हैंडसम क्यों हैं? फिर से बोलना। क्या कह सकता हूँ इस बारे में, आई डोंट नो, माँ बाप खूबसूरत है इसलिए, और थोड़ी खुदा की तारीफ कर दें। बेशक अल्लाह ने जैसा बनाया। अच्छा, अरे उतने पीछे चले, मैं जाती हूँ, आज तो मेरी ऐसी पिद्दी लगनी है ना। इधर उधर उधर इधर, आज निकाल सारे दिल की सवाल पूछ लेंगी लड़कियाँ तुमसे। हाँ जी, टेल अस योर कॉलेज लाइफ, कोई यादगार वाक्या? ओके, वेल एज आई सेड, मैंने जब शुरू में मेंशन किया, I didn't really get to go to college because I started working at a very young age. But I have lots of school ke bahut sare waqiye hain, bahut sare acche dost jo school mein bane. Main sports bahut khelta tha, so I used to travel a lot for sports. Aur main Lahore ke liye bhi khela hua hu, Punjab ke liye bhi khela hua hu, tennis aur basketball aur cricket bhi. To bahut sare waqiye hain. Padhai mein thoda sa kam hi, zara sports mein zyada tawajjuh hoti thi. Acha ji, ek aur sawal, आपकी ब्यूटी का राज क्या है? इनकी ब्यूटी का राज है खुर्रम बशीर। बुलंद आवाज में सवाल किया, खुर्रम बशीर के टोटके, खुर्रम बशीर के टोटके। नहीं नहीं, नेचुरली अलग लगता है। अलग लगता है? हाँ, नेचुरली है सब। मेरी ब्यूटी का राज यही है कि मैंने अभी तक कुछ करवाया नहीं। अच्छा जी, एक और सवाल है। हाँ जी, आपने इंडिया में जो मूवी की थी उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा?
इंडिया में काम करना बहुत अच्छा रहा और इंडिया एक बहुत इस्टेब्लिश्ड मार्केट है ऑब्वियसली, और इंडिया में काम करने के बाद बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है कि अगर मैं इंडिया में भी कामयाब हो सकता हूँ तो मैं कहीं भी हो सकता हूँ, तो बड़ा अच्छा लगा। वाह जी वाह, सारे सवाल हो गए, कुछ रह गए? अल्लाह भी और है भाई, आज तो मैं बेहोश हो जाऊंगी। ये लो भाई। हाँ जी, आपकी वाइफ का क्या नाम है? मेरी वाइफ का नाम सारा है। सारा, हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका न्यू सीरियल कब आ रहा है? मेरे दो तीन नए सीरियल आ रहे हैं इंशाल्लाह, एक इंतजार के नाम से आ रहा है और दूसरा आ रहा है मैं सितारा, और दोनों बहुत जल्द विद इन द नेक्स्ट मंथ और टू इंशाल्लाह यू विल सी देम। हां जी, अस्सलाम वालेकुम। आपके फेवरेट, आपको देख बहुत फेमस पर्सनालिटी है, तो आपकी खुद आप किसको पसंद करते हैं, आपकी कौन सी पर्सनालिटी है? आई थिंक वी आर वेरी लकी पाकिस्तान में, हमारे एक नॉट जस्ट जो न्यू जनरेशन है लेकिन इवन जो हमारे सीनियर्स में भी जो शामिल होते हैं, किसी एक का नाम लेना गलत होगा, बहुत सारे जितने हमारे सीनियर्स हैं, फेलो एक्टर्स हैं, सब मेरे बड़े फेवरेट हैं और सबके साथ काम करने का बड़ा मजा आता है। अच्छा जी, ले आइए जरा ये। अच्छा, मुझे 5 लड़कियां चाहिए, ठीक है, जो फूलों के अलिया 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 क्यों डरे, बुके बनाएंगी, और जिसने पहले बना लिया वो अपनी मर्जी से जिसको चाहे दे दे, हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट मौजूद हैं और है। अच्छा एक सेकंड, मैं देखती हूँ किसको बुलाऊँ किसको बुलाऊँ। हाँ जी बताओ साइन, एक लड़की बताओ कौन सी बुलाऊँ। एक आप आ जाए, कौन सी वाली आ जाए, मायरा तुम बताओ, आप एक आ जाओ, आ जाओ मायरा, कौन सी आ जाओ, मिकाल कौन सी वाली, समवन फ्रॉम द बैक, वो पीछे ऐनक वाली, ऐनक वाली पीछे, जल्दी से आओ, तुम जल्दी से आओ। अच्छा खुरम जी, जल्दी से बताओ किसको बुलाओ, कोई भी एक बच्ची, कौन आएगा जो जो सबसे पहले आ जाए। नहीं नहीं नहीं, समुद्र जी आ जाए, ना करो वो आ गई, वो आ गई, बस वो आ गई पीछे, चले जी आप बैठे। अच्छा आप भी आ जाए, चले आ जाए, आ जाए, 5 हो गई, 5 हो गई, अस्सलाम वालेकुम। आइए जी, 1 2 3 4 5, ये कोई टीम बना रही है आप, पहले ये बता दें, उधर जाए उधर सर, जवेरिया ये कोई टीम तो नहीं है? ए, नहीं कोई टीम नहीं। अच्छा, ठीक है, और 5 लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आप लोगों ने अपनी मर्जी से, आप नहीं है, नहीं अपनी मर्जी से नहीं, इनको बुलाया था किसी ने, आप बैठ जाए, सबसे आखिर में आई थी आप, सॉरी उस साइड पे जाए बेटा, शाबाश, जिसको देना हो ये फूलों का गुलदस्ता आपने देना, लेकिन अच्छा बनाना है, ठीक है, तो म्यूजिक बजाते हैं, 1 2 3 स्टार्ट। सबका ही बन गया तकरीबन, चले जी जिसको भी देना आप लोग दे सकते हैं, आपकी मर्जी है, जिस जिसने आपको बुलाया उस उसको दे, जिस जिसने आपको बुलाया उस उसको दे, बहुत सारी तालियां। मायरा आगे आ जाओ, तुम क्यों इतनी पीछे हो, तुम शो में हो गई हमारे साथ, लड़कियां तुम्हें ढूंढती फिर रही है। अच्छा जी, अरे ये तो जा रही है, अब तो सब कोई जीता ही नहीं, हम किसको गेम, कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है इनामत, कहाँ है, अरे वाह भाई, तो जी कौन जीता है सबसे पहले, सबसे पहले इन्होंने इन्होंने रिबन बना के क्या किया, अच्छा ये बैठिए जी, बहुत सारी तालियां, क्या हो गया, ये एक्चुअली ये उठाओ जल्दी से जल्दी से जल्दी से, और एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, मिकाल साइम मायरा खुरम हमारे साथ मौजूद है, और बहुत सारी मस्ती मजाक करना है, बहुत सारे गेम्स खेलने, हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी।
हम किस गली जा रहे हैं, हम किस गली जा रहे हैं, अपना कोई ठिकाना नहीं, अपना कोई ठिकाना नहीं। अरमान की अंजुमन में बैठक है अपनी लगन में, लेकिन किसी को बताना नहीं, अपना कोई ठिकाना नहीं। सब मिलके ए ए ए ए अजनबी सा चेहरा रहता है मेरी नजर में, एक दर्द आके ठहरा दिन रात दर्द जिगर में, ओ एक अजनबी सा चेहरा रहता है मेरी नजर में, एक दर्द आके ठहरा दिन रात दर्द जिगर में, जाई है कैसी तलब नहीं लेकिन किसी को बताना नहीं, अपना कोई ठिकाना नहीं। हम किस गली जा रहे हैं, हम किस गली जा रहे हैं, अपना कोई ठिकाना नहीं, अपना कोई ठिकाना नहीं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू काशी भाई, बहुत शुक्रिया। और काशी भाई तो आइए जरा, आप किस कैसा महसूस कर रहे हैं इस वक्त लड़कियों के कॉलेज में? बहुत अच्छा। काश वो लोग भी ये कह सकती। भाई काश भाई के लिए बहुत सही ताली। थैंक यू, थैंक यू काश भाई। और जी हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी लेकर आई है जी, जल्दी से लाइए लाइए। ये क्या है जी? पर्चियां हैं, पर्चियां, बैठ जाइए। हमारे आर्टिस्टों की अब खैर नहीं है। ओहो। अब देखते हैं क्या क्या पर्चियां निकलती हैं इसमें बीच में, ठीक है? अच्छा जी, पहली किसके लिए उठाऊं बताइए? खुरम के लिए चले। चले, घबरा क्यों गए खुरम? मैं घबरा गया क्योंकि मुझे तो आवाज ही नहीं आ रही ना। पहली एक्टिविटी जो है ये, सॉरी, पहली पर्ची जो है वो खुरम की निकली है और हम इसमें देखते हैं क्या लिखा है जी। क्या लिखा है? आपके लिए आया कि जुबैदा आपा के पांच टोटके बताइए। देखिए पहली बात ये है कि जुबैदा आपा की टोटके होते हैं नायाब,
ठीक है, तो वो एक दफा बताती है, लोग यूज कर लेते हैं, तो मुझे याद भी नहीं है, मगर मेरा ख्याल है जुबैदा आपा का सबसे अच्छा टोटका ये है कि वो बड़ी मेहनत से काम करती हैं। ये क्या टोटका है? भाई मेहनत की बात है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि जुबैदा आपा को आप फॉलो करेंगी तो आप हमेशा एक्टिव रहेंगी, काम बहुत करेंगी, मेहनत करें, बस ये उनका सबसे अच्छा टोटका। नहीं नहीं, हमें टोटका चाहिए भाई। टोटका उनका भाई फेसबुक पे आते तो इतने पढ़ते फेसबुक। अच्छा, एक बड़ा अच्छा टोटका तो ये कि वो कहती है कि घर में आपके कॉकरोच हो तो उनको भगाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट देखिए, कॉकरोच हो तो आप क्या करें, मीठा सोडा सिरके में मिला के कोने में डाल दे तो कॉकरोच मर जाएंगे। वाह 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 वाह, आपने कितनी दफा मारे इस तरह से कॉकरोच? मैं आज मारूंगा। अच्छा जी, मायरा मायरा के पास एक है, बताएं बताएं बताएं। आए थे ना कि जब आप गाय लेने जाए तो उस पर पपीता लगा दें तो जब गाय कट के गोश्त बनेगा तो गोश्त जला होगा। अच्छा जी मायरा, आप तुम्हारे लिए उठाया है? नहीं चलो ठीक है। अच्छा मायरा का मीरा की नकल करके बताएं। और इधर खड़े होके करोगी तुम नकल मीरा की? अभी मैं इनसे भी पूछूंगी इनमें से किसको मीरा की नकल करनी आती है। अभी किसी को तो चलो पहले किसी और से करवाते हैं। दो मीरा लड़ आती है, मीरा की नकल करनी आती है, कंफर्म आ जाओ। माइक 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 माइक, क्या नाम है तुम्हारा? शानजा। शानजा, शानजा का क्या मतलब होता है? ओ ओ, बादशाह की मलका है। बादशाह की मलका, मलका तो बादशाह की। चले जी कर गया। हेलो हाय, आपको पता है मैंने ब्रांड शूज। मीरा की इतनी पतली आवाज नहीं है, मीरा की तो बहुत मोटी आवाज है। और मुझे मोटी निकालनी पड़ी। हाँ और क्या। हेलो, तुम्हें पता है मैंने नया ब्रांड शूज खरीदे, न जाने क्यों हर गर्ल मुझसे इतनी जेलसी करती है। गुड वन। और कोई है? वेरी गुड। और कोई है? एक ही थी मीरा, हमारे पास है। ये लो यार, बहुत सही तालियां मायरा के लिए। अच्छा जी, अब करते हैं साइम। साइम तैयार हो? एक्टिंग वैक्टिंग करवा ली तो तुमसे अगर मीरी रेशम का नाम आ गया या रीमा का नाम आ गया तो क्या करोगे तुम? क्यों आप चाहती है कि मैं पाकिस्तान में रहने के काबिल ना रहूं? इन लोगों से पंगा ले। अरे यार तुम्हारा बहुत आसान आया है। क्या? किसी भी गाने पे डांस करके दिखाए। लो गाना लगाए जी। और साइम का मैं बता दूं कि साइम, तुमने फिल्मों में तो खूब डांस किए होंगे ना? सारे डायरेक्टर्स मेरे से हीरो के दो गाने, मेरे चार गाने, ये क्या बात है? तो हर कोई, अब तुम्हें पता चला कि फिल्म कितनी मुश्किल होती है करनी? बहुत मुश्किल होती है वाकई में। और आपका तो एक्सपीरियंस इंडिया में रहा है काम करने का, ऑल टुगेदर डिफरेंट बॉल गेम। फिल्म इज ऑब्वियसली द बिगेस्ट मीडियम, सबसे ज्यादा मजा ही उसमें आता है। तो मिकाल से मैं फिल्म के बारे में दो सवाल मेरे और हैं, वो मैं भी पूछूंगी, पहले इनकी परफॉर्मेंस तो करवाए जरा। नहीं, मैं अकेला परफॉर्म नहीं करूंगा, वहाँ भी हम खड़े हो जाएंगे तुम्हारे साथ। डोंट वरी, डोंट वरी। हां पर्चियों में कुछ और निकल रहे हैं तो मैं हम कुछ और दे रही हूं, है ना? नहीं नहीं, क्यों आओगे बाद में? साइन दिखा लूंगी ना, दिखा लो पर्चियां। जुदा है हसीन।
निकाल की पर्ची रहती है नहीं, मेरी तो होगी सबसे पहले मैंने ही तो की थी ये वो वाली पर्ची है जो जवेरिया ले रही हम सबके लिए ये पर्ची नहीं है चलो आप लोग मेरी पर्ची निकाल रहे कराची में मुझे नहीं है कराची में पर्ची मिलना अच्छी बात नहीं होती छोड़ दो नहीं नहीं अभी कौन चाहता है कि जवेरिया की पर्ची निकले ये नहीं हो सकता आप ऐसे ही बता दें आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं मैं आज एक बड़ा मजे का मुकाबला कराते हैं चलो जी जवेरिया नकल उतारेंगी नादिया खान और शाइस्ता दोनों की क्या बात है जवेरिया आज है जी नहीं मुझे नहीं आती नकल उतारने क्या बात हुई भाई भाई मारेंगे दोनों मुझे मेरी दोस्त है दोनों तो फिर क्या हुआ मीरा भी तो इनकी दोस्त है मेरी भी दोस्त है सबकी दोस्त है मीरा यार मुझे अच्छा मैं कोशिश करती हूं कोशिश करती हूं अच्छा पहले जी नादिया खान की बारी है हाँ जी क्या हाल है जी कैसे आप लोग टिप टॉप मजे में अच्छा एक बात को मुझे समझ में ही नहीं आती है ये क्या मसला होता है लड़कों को क्या प्रॉब्लम होती है ये क्यों धूप में नहीं बैठती ये विटामिन डी है मायरा विटामिन डी और अगर खुरम यहाँ मौजूद है तो आप तोड़ के ले लेना उसे क्या मसला है छोटी सी बात है जी क्या बात है बस और अब बारी है शाइस्ता लोधी की चलें जी शाइस्ता की क्या नकल उतारू बेचारी तो नॉर्मल औरत है नॉर्मल लड़की की क्या नकल उतारू मैं शाइस्ता की कोई नकल नहीं उतार सकती मैं क्योंकि मुझे इतना ज्यादा शाइस्ता से मेरा दोस्ती भी है और दूसरी मुझे समझ ही नहीं आता शाइस्ता की नॉर्मल लड़की है नॉर्मल बोलती है ना चलो शायद लोधी की कर दें फिर शायद लोधी की तुम कब समझोगे तुम लोग कब समझोगे अच्छा जी एक पर्ची मैं निकाल के निकाल रही हूँ और मिकाल बहुत प्यारी चीज आई है तुम्हारे साथ अच्छा हाँ कितनी प्यारी बहुत प्यारी अच्छा कि फाड़ दी इसमें लिखा हुआ है कि मिकाल हमें एक गाना सुनाएगा लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद गाना सुनना है एक छोटी सी ब्रेक के बाद तो देखते रहिएगा सतरंगी और सतरंगी में देख रहे हैं आप अप्पा कॉलेज में हम बैठे हैं यहाँ पर मजा आ रहा है और मिकाल गाना सुनाने वाला है लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद देखते रहिएगा सतरंगी ना भूल गया जबरदस्ती का है ये लेकिन आप सब We'll be right back.
कुछ आगे कहें, ये वाकई में अफवा कॉलेज आप लोगों की मोहब्बत में सब कुछ निकल रहा है। हम लोग ये इतना कुछ एनर्जी आते हैं। अच्छा जी, अब हम एक मुकाबला कराने जा रहे हैं। सामान हमारे पास रखा है, खाने पीने की शौकीन जो लड़के हैं वो हाथ उठा लें। तो बहुत सारे हाथ उठ गए, वो पीछे ब्लू में। हाँ, आप आइए आइए आइए। हाँ, अच्छा जी, आप आए, जो पहले आई थी। हाँ, जवेरिया। हाँ, एक वो ना जिसकी सिर्फ पीले रंग की घड़ी नजर आ रही है, बिल्कुल पीछे है वो। पीले रंग की घड़ी वाली कौन है? आ जाए जरा। बिल्कुल पीछे है। वॉच जिसने पहनी है, बिल्कुल पीछे है। पता नहीं। अच्छा जी, तीनों आ गई, आ जाइए। आइए आइए। अच्छा, आप आइए। जिसने पहले ये चार किनू छील के खा लिए जिसने, वो जीत जाएगा। ठीक है, इधर आइए, इधर सामने आइए, सामने ऐसे। अच्छा, ये सारे खाने इन्होंने? जी, जिसने पहले खा लिए। अच्छा, ठीक है, स्टार्ट करें। तैयार है? तैयार है। 1 2 3 स्टार्ट। चार पाँच छह सात फांके बची हैं इनकी। अच्छा, फांकों का हिसाब है? हाँ जी, जो बच गई हैं इनकी बहुत सारी हैं। इनकी कितनी है? 1 2 3 4 जीत गई। मोबाइल लाइए अपना, कहाँ है? चलो ऑन करो और सेल्फी बनवाओ सबके साथ। बहुत सारी तालियां इसके लिए। और जी, हमारे पास गिफ्ट वाउचर्स मौजूद है यहाँ पे। जीतने वाले को
ये बड़ा वाला है? बड़ा भी देंगे ये आपके लिए, हारने वालों को भी दे ही देते हैं। चलो यार कोई लाइए, फरम उनको दीजिएगा, बहुत सही तालियां। नाम क्या है? फातिमा और शानजा। फिर आ गई फातिमा और शानजा के लिए बहुत सारी तालियां। किसके साथ तस्वीर बनवानी है बताओ? सबके साथ आ जाओ भाई, सब आ जाओ जल्दी से। चलो ये आपका गिफ्ट है, ये आपका गिफ्ट है। चले जी इनके साथ जल्दी से सेल्फी बना लेते हैं हम लोग। लाओ मैं बनाऊ पीछे। हो गई? हाँ मैं नहीं कर रहा हूँ। ये ले, थैंक यू सो मच, बहुत सारी तालियां तीनों के लिए। अपना गिफ्ट ले जाओ। और जी इसी तरह टाइम गुजर रहा है, थोड़ा सा टाइम रह गया आप लोगों के साथ हमारा, जो हमने गुजारना है बस थोड़ा सा रह गया है, लेकिन ये भी हम अच्छा मजेदार गुजारेंगे। तो देखते रहिएगा सतरंगी, हमारे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइए क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। कॉलेज में और हमारे साथ बड़े प्यारे प्यारे मेहमान मौजूद हैं, मायरा हैं, साइम हैं, खुरम हैं और मिकाल भी मौजूद है। और जी क्या ख्याल है, एक मुकाबला और करा लीजिए? है कराए? पीछे वालों के साथ, पीछे वाले। अच्छा मसला ये है कि दो मुकाबले पीछे वालों से करा लिए, आगे वाले मारेंगे मुझे पकड़ के। अच्छा ये जो यहाँ पे ये जितनी लड़कियाँ खड़ी हैं, ये कौन है? ये आप लोगों की डॉक्टर? अच्छा इनमें से करवाते हैं मुकाबला, ठीक है। आए आप आए, आइए आइए, बल्कि दो 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 चाहिए ना हमें, बस दो ही चाहिए, आप दोनों आ जाएं बस, आइए। अच्छा मिकाल आप आइए और साहिम आप आ जाएं। लड़कियों मुकाबला ये है कि ये है लेमन और ये है चमचा, ठीक है। आप मिकाल की टीम में हैं और आप हैं साइम की टीम में हैं। ये आपने मुंह में लेना है। आपने उस बास्केट में रखा है, ठीक है ना? मुझे हराना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है? एक भी नहीं, ठीक है? ठीक है। अच्छा यहाँ पहुँच के आप हाथ से उठा के रख सकती हैं, ऐसा कोई बात? बच गई भाई, देख के चलना बच्चों, हाथ से उठा के रख सकती हैं यहाँ पहुँच के, ठीक है? है? ठीक है चलें, तैयार हो जी, रखिए जी। 1 2 3 स्टार्ट। शुक्रिया। और जी इधर आओ बेटा, क्या नाम है आपका भाई? एक माइक यहाँ पे रख दे प्लीज, इधर आओ ना, इधर आओ ना, इधर आओ, इधर सामने देखो। आपका क्या नाम है? तहनियत आमना। तहनियत आमना, साइम इधर आ जाओ अपनी टीम के साथ। आपका क्या नाम है? आयशा। आयशा आप सिर्फ दो कदम से हारी हैं। है चीटिंग की थी? हाँ मैंने मैंने लेमन निकाल लिया। अच्छा निकाल लिया, निकाल लिया। क्या गिने के किसके कितने हैं वैसे? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 वैसे भी जीत ही गई हैं। आप जीत गई हैं जी। क्या चाहती हैं आप? मैं क्या चाहती हूँ? हाँ नहीं। आप आपको गिफ्ट नहीं चाहिए? चाहिए चाहिए, तो फिर देते हैं आप बहुत सारी तालियां इनके लिए। और ये गिफ्ट कुरम प्लीज दीजिएगा, बल्कि हम इनको भी गिफ्ट देंगे। इन्होंने भी हार गई, उनको दो नींबू से हारी है, दो नींबू से हारने वाले के लिए भाई, दो नींबू से हारी है। चले जी बहुत सारी तालियां इन दोनों के लिए। अच्छा चले ये चाहती थी असल में, ले ले आप सेल्फी। अच्छा ये जब तक सेल्फी ले रही है
मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि भाई जो हार रहा है वो प्लीज रिसार्ट ना हो, देखे हम इनाम तो सबको ही दे रहे हैं ना, जो हार रहा है उसको भी दे रहे हैं, जो जीत रहा है उसको भी दे रहे हैं। तो है तुम का भाई, अच्छा किया था, ये लो भाई ये साइम, ये गिफ्ट वाउचर दे भाई इनको जल्दी से, गिफ्ट वाउचर। अरे वाह, ये सेकंड वाली, सेकंड वाली। अच्छा बाकी सबको भी मिलेंगे, टेंशन ना ले, टेंशन ना ले। अच्छा मैं कह रही थी कि यहाँ पे कोई लड़की ऐसी है जो बहुत अच्छा जो है वो गाना गा सकती है, कोई लड़की ऐसी है गा सकती हो? आइए इधर आइए, क्या नाम है आपका? जवेरिया। जवेरिया वर्सेस जवेरिया, गाना गाना आता है बहुत अच्छा, मुझे पता है तुम मेरे फेसबुक पे लगता है हो। अच्छा अच्छा ये बताओ कि कौन सा गाना गाओगे? इश्क सूफियाना। इश्क सूफियाना, और किसके लिए गाओगे? टीचर्स के लिए। इश्क सूफियाना, वाह वाह क्या बात है। तो अपनी अपनी लड़की के लिए बहुत सारी तालियां तो बजाएं, आपके कॉलेज कैंपस की लड़की है। रब की कवाली है इश्क कोई, दिल की दीवाली है इश्क कोई, महकी सी प्याली है इश्क कोई, सुबह की लाली है इश्क, गिरता सा झरना है इश्क कोई, उठता सा कलमा है इश्क कोई, सांसों में लिखता है इश्क कोई, आंखों में दिखता है मेरे दिल को तुझा से जुदा कर दे, यूं बस तू मुझको फना कर दे, मेरा हाल तू मेरी चाल तू बस कर दे, आशिकाना तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। रब की कवाली है इश्क कोई, दिल की दीवाली है इश्क कोई, महकी सी प्याली है इश्क कोई, सुबह की लाली है इश्क। सोचो तुझे तो है सुहा, सोचो तुझे तो शाम है, हो मंजिलों पे अब तो मेरी एक ही तेरा नाम है, तेरी आग में ही जलते कोयले से हीरा बनके, ख्वाबों से आगे चल के है तुझे बताना, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। बहुत अच्छा गाया भाई। नहीं, देने से पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि अफवा कॉलेज में इतना टैलेंट है। हाँ। इतनी खूबसूरत, वेरी गुड, वी ऑल आर इंप्रेस्ड, अच्छा लगा ना? हाँ। वेरी नाइस। अच्छा जी एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और टाइम आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है। मिकाल कैसा लग रहा है इस धूप के अंदर? बहुत अच्छा लग रहा है, आई थिंक व्हाट अ यू नो रियली एक्साइटिंग मॉर्निंग, और सबकी एनर्जी बहुत अच्छी है एंड और कितने खुश हो, अल्लाह कितने खुश भाई, तुम ज्यादा बोलो ज्यादा बोलो, थोड़ा खुश हो रही है लड़की तुम्हारे बोलने से। मेरी भी एक रिक्वेस्ट है, मैं सबके साथ एक सेल्फी लेना चाहूंगा। ये हुई ना बात, ये जो लड़कियां हैं इस साइड वाली, ये जो यहाँ वाले भी
और जी जब तक निकाल जो है वो सेल्फियां ले रहे हैं, हम एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी। वापस आ चुके हैं और प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म होने वाला है, तो जाते जाते मैं चाहूंगी कि आप लोग जरा अपने शोर में मुझे बताएं कि आप लोगों को आज मजा आया कि नहीं आया। वाह वाह क्या बात है, इसका मतलब मजा आया है, है? और टीचर्स से मैं जरा पूछूं ना कि उनको मजा आया कि नहीं मजा आया। कौन सी टीचर से पूछूं भाई, पहले बताएं मुझे, आपसे पूछते हैं। मिस सुम्बुल कौन सी है, मिस सुम्बुल कौन सी है भाई, मिस फाजिया कौन सी है, चले जी आप बताएं। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत अच्छा लगा आप लोग आए और हमारे कॉलेज का इतना ज्यादा नाम हुआ और हमने बहुत इंजॉय किया आप लोगों के साथ, बहुत ही अच्छी एनर्जेटिक मॉर्निंग थी आज आप लोगों के साथ। रात को 12 बजे रिपीट देखना है सबने, ठीक है? और हमेशा दूसरे कॉलेज को देखते थे, आज अपने कॉलेज को टीवी स्क्रीन पे देखेंगे, जबरदस्त बात है और आप हमारे कॉलेज में, इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर अस। थैंक यू सो मच जी। भाई शोर तो मचाओ भी टीचर्स के लिए, बहुत अच्छा प्रोग्राम था और आप हमारे कॉलेज में आई, बहुत हमारे लिए ऑनर है। और दूसरी बात ये कि बस ये चंद लम्हों की रिफाकत है, यानी कि चंद लम्हों की रिफाकत है कि चंद लम्हों में ये शिराजा बिखर जाएगा, इन्हीं यादों को समेटेंगे बिछड़ने वाले, किसको मालूम कौन किधर जाएगा। दोबारा आपकी आमद के हम मुंतजर रहेंगे। जरूर जी, थैंक यू सो मच। ये कौन सी टीचर, उर्दू की टीचर लग रही है, उर्दू की टीचर है, देखा कैसे पहचानी मैं कि उर्दू की टीचर है, क्या खूबसूरत शेर सुनाया है आपने। और जी और कराची के तमाम लोग सुन लें कि हम सबके कॉलेजेस में आएंगे आहिस्ता आहिस्ता, एक एक करके। अभी हम खातून पाकिस्तान सर सैयद कॉलेज और अप्पा कॉलेज में आ चुके हैं और बाकी जितने भी कॉलेज है कराची के, हम तमाम कॉलेजेस में जाएंगे, सब तैयार रहिएगा। और जी क्या कहना चाहेंगे हम आप लोग, एक एक जुमले में कुछ भी कह दे आज के शो के बारे में, इन लोगों के बारे में, कुछ भी जो भी कहना चाहते हैं दिल में जो भी है। साइम जी बस यही कहूंगा कि अपने वालदैन की रिस्पेक्ट करें, मुझे आज यहाँ पे आके बहुत ही नॉस्टैल्जिक सी फीलिंग हो रही है, अपने कॉलेज के दिन याद आ गए, ये बहुत ही खूबसूरत दिन होते हैं, इनको कैद कर लें बस। वेरी नाइस निकोल, थैंक यू फॉर अ लवली मॉर्निंग, बहुत मजा आया, खुद भी जैसे आपकी टीचर ने कहा एनर्जी मिल गई है, एंड इट वाज रियली नाइस टू सी यू एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। और ये जो मैंने सेल्फीज ली है मैं अपने फेसबुक पे अपलोड करूंगा, तो यू गाइस टैग योरसेल्फ इट्स निकाल ज़ुल्फ़िकार ऑफिशियल, तो यू कैन कैच योरसेल्फ ऑन दैट। मायरा क्या कहोगी? मैं ये कहूंगी यहाँ आने से पहले थोड़ी सी नर्वस सी फीलिंग हो रही थी कि इतने सालों बाद किसी कॉलेज जा रहे हैं, क्या माहौल होगा। जब मुझे कल बताया था आई गॉट रियली एक्साइटेड और मैंने कहा देखो कि आजकल का यूथ जो है वो कैसा है, क्या हो रहा है। सो ऑल ऑफ यू गाइज रॉक, बहुत एनर्जी है, बहुत प्यारे हो, इसी तरह रहना। जी सवेरे मुझे ये लगा कि सब इतना सब लोग इतने हसीन हैं यहाँ पे कि डर्मेटोलॉजी की अब कोई जरूरत ही नहीं, मेरा कोई काम ही नहीं था शो में, सब इतने अच्छे लग रहे थे, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और जी ये कुछ वाउचर्स हैं जो हम चाहेंगे कि जहाँ पे जितनी भी वॉलंटियर्स खड़ी हुई हैं उनको दे, क्योंकि उन्होंने बड़ा काम किया, बड़ी मेहनत की है। म्यूजिक मस्ती के दिन है, चलो झूमे और गाए हम, मस्ती के दिन है, चलो झूमे और गाए हम, सारे जमाने में एक हम में एक तुम में दम, मोहब्बत जान मांगे कभी इनकार ना हो, हमारी जीत में भी किसी की हार ना हो, सारे जमाने में एक हम में एक तुम में दम, मस्ती के दिन है चलो झूमे और गाए हम। ओ हम चले तो जमी घूमे,
हम रुके आसमां डूबे बोल तो चांद को झूले दे सदा ये जहां झूले झूले ये तेरा प्यार झूले ये तेरा प्यार करे है जिंदा मुझे हर बार के मस्ती के दिन है चलो झूले और गाए ये सारे जमाने में एक हम एक तुम में दम मोहब्बत जान मांगे कभी इनकार ना हो हमारी जीत में भी किसी की हार ना हो सारे जमाने में एक हम एक तुम में दम ये मस्ती के दिन है चलो झूमे और गाए हम है तू रंगों से भी ज्यादा शोक लगती और रह के भी सादा ले जाएंगे तुझको उठा के तेरे बिना लगे नमोराजी रंगी है तू रंगों से भी ज्यादा शोक लगती रह के भी सादा ले जाए तुझको उठा के तेरे बिना लगे नमोराजी रंगी है तू रंगों से भी ज्यादा धूप लगती और रह के भी ज्यादा।